हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस. क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आज के जो ब्लॉग है उसमें मुझे कुछ स्पेसिफिक तो कुछ मिल नहीं रहा था कि क्या बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मैं एक हेल्दी सा सैलड बनाती हूँ, जिसमें जो मैं पहले भी आम रूटीन में भी बनाती होती हूँ. इसमें इस सैलड में लोबिया दलता है, यानी कि रेड बीन्स, और चने दलते हैं. ये मैंने रात को ही भिगो के रख लिए थे. अब मैं इसको जो है कुकर में अच्छे से उबाल लूँगी. अब यहाँ पे मेरे से एक गलती हुई है. मैंने मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी जो है इसको बॉईल कर लूँ, तो मैंने दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी ही बॉईल कर ली. इस तरह से मेरे जो चने थे उनमें जो है पूरा रेड बीन्स का जो था वो कलर आ गया. तो आपने जो है इस तरह से नहीं करना, आपने इसको अलहदा से दोनों चीज़ों को बॉईल करना है. ये सैलड बहुत हेल्दी होता है और बहुत मज़े का होता है. और मैंने इसके अलग भी वीडियो जो है वो अपने अकाउंट में शेयर की हुई है, तो आप वहाँ से मेरे चैनल में देख सकते हैं. ठीक है, इस हेल्दी सैलड का कैसे प्रॉपर बनता है ये. अभी तो मेरे पास जितनी चीज़ें अवेलेबल थी मैंने उसी के साथ बनाया था, वरना तो इसमें बहुत सी चीज़ें डलती हैं. उसके बाद यहाँ पर मैंने मटन रखने लगी हूँ. हम लोग मटन पुलाव बना रहे हैं, और मटन ही राइस बना वो बना रहे हैं, कढ़ाई अचारी बना रहे हैं. तो यहाँ पे जो सैलेड है उसके लिए अनियन डलेगा उसमें, और ककम्बर डलेगा, टमाटो डलेंगे, गैपिश डलेंगे. इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें इसमें डलती होती हैं, तो वो एप्पल भी डलता है, पास्ता भी डलता है, बहुत सी चीज़ें डलती हैं. अभी मेरे पास जितनी अवेलेबल थी मैंने उन्हीं में ही बना ली. उसके बाद इसमें हम लोग डालते हैं ब्लैक पेपर, सिर्फ ब्लैक पेपर डलता है इसमें, और जो है सॉल्ट डलता है. ठीक है, और इसके अलावा इसमें इमली सॉस डलती है. इमली सॉस मैंने बनाया था, मुझे लगता है शायद मैंने वीडियो नहीं बनाई होगी, तो इमली सॉस की भी मेरी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं. ये सैलड जो है बहुत हेल्दी और बहुत रिफ्रेशिंग का होता है. आप अगर डाइट कर रहे हैं तो ये बेस्ट सैलड है. इससे आपकी जो भूख है वो बिल्कुल फुल पूरी हो जाती है. आप इसे लंच में ले सकते हैं और ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं. ठीक है, डिनर में भी ले सकते हैं, पर ज़्यादा बेहतर होता है कि आप इसे लंच में लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है और बहुत मज़ेदार होता है. इसमें आप चाहें तो अपने हिसाब से स्पाइसी से कर लें या नॉन स्पाइसी कर लें, इट्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट. ठीक है, और इसके अलावा जो इसमें बहुत सी चीज़ें डलती हैं वो मैंने इस टाइम नहीं डाली. इसमें जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी बस वही डाली हैं, तो आप चाहें तो इसमें अपने हिसाब से भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सैलेड में डालना चाहें. उसके अलावा हमारे पास लंच में बन रहा है मटन अचारी और मटन पुलाव. इसके लिए हम लोग अनियंस और ग्रीन चिलीज कट आउट कर रहे हैं. और यहाँ पे जो है हमने सबसे पहले जो हमारा मटन बॉयल हो गया था, तो हमने उसको अनियंस, जो फ्राइड अनियंस हैं उसमें ऐड कर दिया है चावलों के लिए. ठीक है, मटन पुलाव के लिए. इस मटन पुलाव में सिर्फ ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड होता है. ठीक है, मटन वाले पुलाव में ये मेरी सिस्टर बनाती है, बहुत मज़े का बनता है. इसकी भी प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. और यहाँ पर जो है मटन की अच्छी से बुनाई हो रही है. अब चिकन मटन अचारी के लिए रेडी हो रहा है सब कुछ. यहाँ पे हम लोग ने जो राइस होता है उसमें मेरी बहन यखनी डालती है, ताकि जो मटन पुलाव होता है ना उसका पूरा टेस्ट आए मटन राइस में. ठीक है, तो यहाँ पे उसने यखनी डाल दी है. और अब ये जो है इसमें सालन की तैयारी होती है. यहाँ पे उसका पैकेट चला गया अंदर, जो मटन अचारी होता है ना उसका एक पाउडर भी मिलता है, वो उसने इसने डाला है नेशनल का पाउडर. और इसके बाद यहाँ पे जब जो है यखनी बॉयल हो गई थी, हमने इसमें चावलों का कोई पानी नहीं डाला, हमने जो यखनी थी मटन की वही ही डाली है, और उसमें ही हमने चावल ऐड कर दिए हैं. अब यहाँ पे जो है मटन अचारी के लिए भी मटन ऐड हो गया है उसमें. अब हम इसमें अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे. और इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि कोई कोई साइंस है कि इसमें कोई और अलग चीज़ जाननी है, इसमें कुछ भी नहीं जाता. राइस मटन पुलाव में सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाना है, और जो मटन अचारी है उसमें रेड पाउडर जो होता है, कश्मीरी लाल मिर्च, और पूरा जो है एक डब्बा जाना है अचारी गोश्त का, जो नेशनल का पैक होता है उसका, बस. और इसमें कुछ भी नहीं होना बाकी. ये हमारे पास अब हम लोग सैलेड जो है वो खा रहे थे जब तक के सालन और चावल अच्छे से रेडी हो जाए. अब जो है हमारे मज़ेदार से चावल रेडी हो गए हैं, हम इसे डिश आउट करेंगे. और यहाँ पे जो है हमने यखनी ज़्यादा ही डाल दी थी, इस वजह से हमारे जो चावल है वो ज़्यादा ही बेचारे गल गए थे, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने फिर भी खा लिए थे क्योंकि मज़े के इतने होते हैं. और इसके अलावा मैं इसकी अलग से एक रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत मज़े के बनते हैं. और मेरी बहन जो है मटन पुलाव और काबुली बहुत मज़े का बनाती है, तो मैं उसका अलग ही रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी आप लोगों के साथ.
और फिर ये हमारा मटन अचार है, ये भी बहुत मज़े का बनता है। अगर आप ग्रेवी वाला मटन खाना चाहते हैं ना तो ये ज़रूर बनाइएगा, ये इतना मज़े का होता है। और इसके साथ जो है मैंने चटनी भी बनाई थी, तो चटनी और इन दोनों चीज़ों का कॉम्बो बहुत मज़े का होता है और बहुत मज़े का लग रहा होता है। ये ग्रेवी जो है मेरी फेवरेट है मटन अचारी की। यहाँ पे मेरी आपी ने जो है जर्दा भी साथ में बना लिया था, ये जर्दा बनाती है तो उसमें मीठा डालना भूल जाती है, पर फिर भी हम लोग ने खा लिया था। तो यहीं पे आज का हमारा व्लॉग जो है वो एंड होता है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जब मैं नया कुछ ट्राई करूँगी। आज तो मैंने कुछ नया ट्राई नहीं किया, तो होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।